प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को लेकर के अक्सर सर्वे होते रहते हैं। एक और सर्वे कंडक्ट किया गया जिसमें भारत के लोगों के अलावा दुनिया के अलग देशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या लोकप्रियता है, क्या छवि है, जानने की कोशिश की गई। उस सर्वे में एक बात सामने आती है, उस सर्वे में बात सामने आई कि पीएम मोदी की लीडरशिप के अंदर भारत एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है, लोग ये मानते हैं और लोग ये मानकर चल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये ग्लोबल नीतियां और उनकी दूरदर्शी सोच ही है कि आज भारत उस मुकाम पर है कि भारत बोलता है और दुनिया सुनती है। देश ने मुझ पर भरोसा किया क्योंकि आपने देश को बताया कि भरोसा करने में। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। क्या कारण है? कारण मोदी नहीं है, कारण आपका एक वोट है। अब आपको पता चलता होगा कि आपकी वोट की ताकत क्या है। दुनिया बदल रही है लेकिन नहीं बदल रहा तो दुनिया में भारत का नॉनस्टॉप बढ़ता दबदबा और इसी के साथ विदेशों में भी आसमान छू रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता। आज के न्यू इंडिया और पीएम मोदी का वैश्विक प्रभाव कितना है, दुनिया हिंदुस्तान और पीएम मोदी पर कितना भरोसा करती है, इसे लेकर भारत समेत 24 देशों में सर्वे हुआ। अमेरिकी थिंक टैंक प्यू रिसर्च के इस सर्वे में भारत के लोगों ने क्या कहा वो दिखाएं। और उससे पहले देख लेते हैं 23 देशों में हुए इंटरनेशनल सर्वे में लोगों ने भारत पर कैसे जमकर प्यार लुटाया। इजराइल में सबसे ज्यादा 71% लोग भारत को पसंद करते हैं। ब्रिटेन में आंकड़ा 66% है। केन्या में 64% और नाइजीरिया में 60% लोग भारत को सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। साउथ कोरिया में 58%, 55% जापानी और 52% ऑस्ट्रेलियाई भारत को लेकर पॉजिटिव सोच रखते हैं। 52% इटालियन भी ऐसा ही सोचते हैं। वहीं अमेरिका में 51, कनाडा और जर्मनी में 47% लोग भारत को लेकर पॉजिटिव सोच रखते हैं। ये आंकड़े पीएम मोदी की लीडरशिप का दम और विदेशों में हिंदुस्तान के फहराते परचम को दिखा रहे हैं। भारत में होने जा रहे G20 सम्मेलन से पहले रिपोर्ट जारी की गई जिसमें 23 देशों के 30,861 लोगों का सैंपल साइज लिया गया। ये रिपोर्ट की जो मियाद रखी गई वो 20 फरवरी 2023 से लेकर के 23 मई 2023 के बीच रखी गई है। 23 देशों के 30,861 में से 40% लोगों ने माना कि भारत एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैश्विक स्तर पर एक लीडर के तौर पर आगे बढ़ रहा है। और ये 40% लोग इस बात से सहमत हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां इस बारे में लैंडमार्क साबित हुई कि भारत वैश्विक पटल पर अपनी पहचान कायम रख सके और एक विश्व गुरु के तौर पर आगे बढ़ रहा है। प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे में दुनिया ने भारत को कैसे सलाम ठोका ये आपने देखा। रही बात पीएम मोदी की ग्लोबल ब्रांडिंग की तो वर्ल्ड लीडर के तौर पे वो काफी पहले ही हो चुकी है। फिलहाल विदेशों में मोदी के पॉपुलैरिटी मीटर पर नजर डालें तो जापान में 45%, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल में 41%, दक्षिण कोरिया में 40% लोगों ने नरेंद्र मोदी में विश्वास जताते हुए कहा कि वो वैश्विक स्तर पर सही काम कर रहे हैं। इंडोनेशिया में 33%, जबकि केन्या में 60% और नाइजीरिया में 47% लोगों ने मोदी का लोहा माना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न केवल भारत को भारत में बल्कि पूरी दुनिया में जो अपनी धाग और धमक बनाई है उससे हर भारतवासी अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहा है। और अनफॉर्चुनेटली नरेंद्र मोदी जी की धाग और धमक को धूमिल करने की धूर्तापूर्ण धुन में कुछ लोग खुद धूल दूसरित हो रहे हैं। और आज देश इस बात को देख रहा है कि चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में आप देखें तो वहां पर मोदी मोदी हो रहा है। दुनिया के तमाम लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने ये इस्टेब्लिश कर दिया, ये स्थापित कर दिया कि डेमोक्रेसी कैसे डिलीवर कर सकती है। और जब दुनिया ये कह रही है कि मोदी जी ने डेमोक्रेसी को डिलीवर करके दिखाया तो डायनेस्टी जो है वो कोमा में चली गई है। दुनिया ने मोदी को घेरने वाले INDIA अलायंस को मोदी की ताकत दिखा दी है।
दुनिया को भी पता है कि 24 में आएंगे तो मोदी ही। अगले साल देश में लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि दो बार से सत्ता पर काबिज पीएम मोदी को लेकर देश के लोगों की राय क्या है। तो ये भी जान लीजिए, भारत में 79% लोगों ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया, जबकि राहुल गांधी पर 62% लोगों ने भरोसा जताया। पीएम मोदी से 80% भारतीय खुश हैं, 10 में से 8 भारतीय का पीएम मोदी पर भरोसा कायम है। सर्वे के आंकड़े 25 मार्च से लेकर 11 मई के बीच के हैं, लेकिन यहां भी राहुल पीएम मोदी से काफी पीछे नजर आए। ये वही राहुल गांधी हैं जो विदेशी धरती पर बार बार मोदी सरकार की आलोचना करते दिखते हैं, लोकतंत्र को खतरे में बताते हैं, हिंसा और नफरत की राजनीति का आरोप लगाकर हिंदुस्तान के लिए अलग नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन 23 देशों के सर्वे में साफ हो गया कि 46% एडल्ट भारत के बारे में पॉजिटिव सोच रखते हैं। दुनिया के 19 दूसरे देशों के 28% एडल्ट मानते हैं कि वैश्विक स्तर पर भारत का प्रभाव बढ़ा है। दुनिया की महाशक्तियों से लेकर ज्यादातर देशों में भारत को लेकर पॉजिटिव माहौल है, क्योंकि पीएम मोदी ने भारत की विदेश नीति को अपना पर्सनल टच दिया, जिससे भारत ने पूरी दुनिया में अपना खास रुतबा हासिल किया। दुनिया में भारत और पीएम मोदी की रेटिंग बढ़ी, ये तो आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन अब इन तस्वीरों को देख लीजिए। कैसे देश का नेतृत्व संभालने के बाद से ही मोदी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत के अग्रदूत बने हुए हैं। पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी का आलम यह है कि सुपर पावर अमेरिका भी मोदी और भारत के कद के आगे सजदा करता दिखता है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन जहां मोदी का ऑटोग्राफ लेने की बात करते हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज सार्वजनिक तौर पर कहते हैं, मोदी इज द बॉस। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। एक दौर था जब भारत दुनिया भर की महाशक्तियों के भरोसे बैठा रहता था, अब भारत बोलता है और दुनिया सुनती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शख्सियत और व्यक्तित्व के चलते पूरी दुनिया उनकी कायल है। इस वक्त दुनिया में अगर किसी नेता की पूछ है तो वह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री द्वारा दुनिया भर के सामने भारत की जो छवि रखी गई है उसके चलते पूरी दुनिया उनकी कायल है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शानदार व्यक्तित्व, राजनीति के तर्क और उसी के साथ साथ दूर दृष्टि के कायल पूरी दुनिया है। और इसीलिए ना सिर्फ राजकीय स्तर पर वो जितने ज़्यादा लोकप्रिय हैं, उससे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नरेंद्र मोदी ने अपनी एक गांठ छोड़ी है, जिसके चलते दुनिया भर के नेता नरेंद्र मोदी को ग्लोबल लीडर मानते हैं। मोदी को वर्ल्ड लीडर बताने वाले इन सर्वे के आंकड़ों पर विरोधी सवाल उठा सकते हैं, लेकिन इन तस्वीरों पर कैसे सवाल उठाएंगे? इसी महीने ग्रीस ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से नवाजा। फ्रांस के ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। जून में मिस्र ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया। वहीं मई में फिजी ने कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी और पपुआ न्यू गिनी ने द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो से सम्मानित किया। ये तस्वीरें बताती हैं दुनिया में भारत का डंका किस कदर बज रहा है। प्यू रिसर्च सेंटर के जिस सर्वे और आंकड़ों की बात हो रही है उसमें G20 के ज्यादातर देशों में भारत की छवि तो अच्छी है, हालांकि यूरोप के कुछ देशों में रेटिंग में कुछ गिरावट दर्ज की गई। तो आइए इसकी वजह भी जान लेते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है रूस यूक्रेन युद्ध और भारत की तटस्थ विदेश नीति। भारत ने यूक्रेन पर हमले के लिए रूस की आलोचना नहीं की। रूसी हमले की निंदा करने वाले प्रस्तावों पर यूएन के मंचों पर मतदान में हिस्सा लेने से परहेज किया। यूरोपीय देशों ने भारत के रूसी तेल खरीदने पर भी आपत्ति जताई, लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा नहीं किया। भारत ने साफ कर दिया कि हमारी विदेश नीति देश हित में होगी। यूरोप चाहता था कि इंडिया उसकी हां में हां मिलाए, लेकिन मोदी सरकार की मुखर विदेश नीति के आगे उनकी एक न चली और भारत पश्चिमी देशों के रूस पर लगाए आर्थिक प्रतिबंधों से दूर रहा। अमेरिकी रिसर्च एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट के लगातार कई सर्वे में भी प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय और शीर्ष नेता बने हुए हैं। पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग बढ़कर 74% हो गई है और ये रेटिंग दुनिया के टॉप लीडर्स में सबसे ज्यादा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी प्रधानमंत्री मोदी से काफी पीछे हैं। जाहिर है मोदी पहले भी वर्ल्ड लीडर थे और आज भी वर्ल्ड लीडर हैं। मोदी के पास वो फ्यूचर प्लान है जिसके दम पर मोदी आगे भी वर्ल्ड लीडर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।